प्रॉमिस करती हूँ गाइस कि आपके स्किन के जो भी इश्यूज हैं वो आज की रेमेडी से दूर होने वाले हैं और इस रेमेडी के जरिए आप ऐसी स्किन पा पाएंगी जिसकी हम सब चाहत रखते हैं। कीप वॉचिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मैं हूँ निगार और ब्यूटी विद निगार की खूबसूरत सी फैमिली में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपका दिल से स्वागत करती हूँ। और इस फैमिली का हिस्सा बनने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको प्रेस कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं आप सभी के लिए लेकर आती हूँ अमेजिंग नेचुरल रेमेडीज जिसको यूज करके मेरी फैमिली बहुत ज्यादा खुश है। तो गाइज, आज मैं जिस रेमेडी की बात कर रही हूँ, जिस मास्क की मैं बात कर रही हूँ, वो है आपके स्किन के सारे इश्यूज को खत्म करने का एक ऐसा ट्रीटमेंट जिससे ना सिर्फ आपके ब्लैमिशेज, आपकी झाइयाँ, आपकी पिगमेंटेशन, आपकी मेलाज्मा, चेहरे पे जिद्दी से जिद्दी दाग, वो काले काले से जो दाग नजर आते हैं आपके चेहरे पे, वो खत्म होंगे। बल्कि अगर आपके कील मुहांसे निकलते हैं और उसके बाद में निशान छूट जाते हैं, माउथ एरिया आपका ब्लैक है और यहाँ पे अराउंड द माउथ आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, तो ये आज की जो रेमेडी है वो मैजिकल काम करेगी, बशर्ते ये कि आपको उसी तरह से यूज करना है जिस तरह से मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो आई होप कि गाइस आज का मेरा ये वीडियो आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक को लेकर आपके मुझे ढेर सारे कमेंट मिले हैं। तो आज की इस रेमेडी को यूज कीजिए, बट उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर आज ही विजिट कर रहे हैं गाइस, तो मेरी फैमिली का जो खूबसूरत सा गुलदस्ता है जो कि बढ़ता जा रहा है डे बाई डे, तो उसमें एक खूबसूरत सा फूल और ऐड कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें विद बेल आइकन, मुझे बेहद खुशी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि ये डॉक्टर रेमेडी हमें किस तरह से बनाए। तो ये जो स्किन सॉल्यूशन मास्क हम बनाने वाले हैं गाइस, इसके लिए फर्स्ट हमारा जो इंग्रेडिएंट है वो है लेमन पील पाउडर, यानी नींबू के जो छिलके होते हैं उनका पाउडर हमें यूज़ करना है। यहाँ पे मैं क्विक केयर ब्रांड का ले रही हूँ, क्योंकि ये पाउडर 100% नेचुरल, ऑर्गेनिक और प्योर होते हैं, ठीक है। लेमन पील्स के अंदर भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी से ये भरपूर होते हैं। ये एक्ने प्रोन स्किन को ट्रीट करते हैं, ऑयली स्किन के लिए बेमिसाल काम करते हैं, आपके कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करते हैं, स्किन की को खत्म करते हैं और इसकी लाइटनिंग व्हाइटनिंग के लिए एक बहुत ही बेहतरीन एजेंट पाया जाता है। इसके अंदर डार्क स्पॉट, एक्ने, स्कार्स, ब्लेमिशेस को दूर करने के लिए जबरदस्त तासीर और गुड़ पाए जाते हैं गाइस। और अगर आपके ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है तो ये वो इश्यूज भी खत्म करता है, स्किन को नेचुरल ग्लो देता है और इसके साथ ही साथ आपकी स्किन को क्लींस करता है, स्क्रब करता है। तो कितने सारे फायदे हैं आप सोच सकती हैं नींबू के छिलकों के, ठीक है। जितने भी पाउडर मैं यूज कर रही हूँ सबके बाय लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो यहाँ पे 1 टीस्पून आपको लेना है लेमन पील पाउडर। इसके बाद नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो बेमिसाल है हमारे फेस के लिए, हम कितनी तारीफ करें इसकी, ये है रोज पीटल पाउडर। रोज पीटल पाउडर के अंदर एंटी ऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। रोज पीटल आपकी स्किन को टोन करता है, पोर्स को श्रिंक करता है, नेचुरल सनस्क्रीन की तरह काम करता है, विटामिन सी की प्रॉपर्टीज इसके अंदर पाई जाती हैं। ये एक पावरफुल शील्ड है जो कि हार्मफुल यूवी रेस से हमें प्रोटेक्ट करता है। अगर आपको अपनी स्किन को यंग और ग्लोई रखने की चाहत है तो ये बेमिसाल एंटी एजिंग की तरह भी काम करता है, आपकी स्किन को टोन करता है और स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करके स्किन को ब्राइटन और लाइटन करता है, ठीक है। तो 1 टीस्पून ही हमें ले लेना है रोज पीटल पाउडर। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो हम यहाँ पे यूज करेंगे वो है ऑरेंज पील पाउडर, यानी संतरे के छिलकों का पाउडर गाइस, जो कि विटामिन सी से भरपूर होता है। रंग को निखारने की अगर बात है ना, तो संतरे के छिलके का पाउडर बहुत गजब के रिजल्ट्स देता है हमारी स्किन के ऊपर, ठीक है। तो ये भी मैंने यूज किया है, यहाँ पे एक चम्मच तकरीबन आपको ले लेना है ऑरेंज पील पाउडर। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ हर्बोटॉनिक का सैंडलवुड पाउडर, चंदन, क्योंकि गर्मी है गाइस, स्किन को ठंडक देता है, स्किन से डार्क स्पॉट, ब्लैमिशेज, झाइयाँ, मेलाज्मा, इस तरह की प्रॉब्लम इश्यूज हैं अगर आपकी स्किन के ऊपर, तो ये उनको खत्म करता है। इस मास्क के लिए गाइस नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो हम इस्तेमाल करेंगे वो है वाइल्ड टर्मरिक। यहाँ पे 2 चुटकी तकरीबन आपको वाइल्ड टर्मरिक की लेनी है। अगर आपके पास वाइल्ड टर्मरिक नहीं है तो आप सिंपल किचन हल्दी का इस्तेमाल करेंगी, सिर्फ 1 चुटकी, ठीक है, क्योंकि उस हल्दी को इस्तेमाल करने से आपके चेहरे पे पीलाहट यानी पीलापन आ जाता है, जो कि काफ़ी सारे लोगों को पसंद नहीं आता है। तो 2 चुटकी मैंने लिया है वाइल्ड टर्मरिक गाइस, ये एंटी बैक्टीरियल एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी से भरपूर होती है, स्किन डिजीज के सोल्यूशन के लिए बेस्ट काम करती है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो पैक हम बनाने वाले हैं गाइस, इसको मैं बनाने वाली हूँ दही के साथ। बट अगर आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है, मेलाज्मा है, जिद्दी झाइयाँ हैं, तो ये पैक आप बनाएंगी आलू के रस में, ठीक है।
एक चम्मच आप दही डालेंगी और उसके बाद पूरा पेस्ट जो आप बनाएंगी उसमें आपको आलू के रस का इस्तेमाल करना है गाइस, क्योंकि आलू के रस के अंदर ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। यह आपके चेहरे के रंग को तो निखारता ही है, साथ ही साथ जिद्दी से जिद्दी झाइयों को खत्म करता है, दाग धब्बों को खत्म करता है और इससे आपको मिलती है स्पॉटलेस स्किन। ठीक है, बट मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ दही का, तो मैं इतना दही ले रही हूँ जितने की हमारा ये पैक बनकर तैयार हो जाए। ठीक है, 4 से 5 चम्मच तकरीबन मैंने ये दही लिया है और दही के ऊपर जो पानी होता है वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स करूंगी गाइस। अगर आपको मिक्स करने में थोड़ी सी भी दिक्कत आए तो आप इसमें या तो आलू का रस और ऐड करेंगी या फिर आप थोड़ा सा इसमें ठंडा पानी डाल लें। यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर रही हूँ गाइस और इसकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करूँगी मैं इस पानी के ज़रिए। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं गाइस ये मैजिकल मैजिकल इंग्रेडिएंट्स हैं और ये मैजिकल काम करती हैं। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये कुदरत बोल रही है कि ये कितने बेमिसाल चीज़ें हैं हमारी स्किन के लिए। सारी चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर ले और इस तरह की कंसिस्टेंसी में आपको ये मास्क बनाकर तैयार कर लेना है। अगर आप चाहती हैं कि इस मास्क का पूरा और बेस्ट रिजल्ट आपको मिले तो उससे पहले आपको क्या करना है कि रोज़ वाटर की हेल्प से आप अपनी पूरी स्किन को अच्छे से क्लीन करें। ये मास्क आप दिन में एक बार लगाएंगी और एक बात का आप ख्याल रखेंगी कि इस मास्क को लगाने के बाद आपको कोई भी सोप या फेस वॉश का इस्तेमाल नहीं करना है। सबसे पहले आप अपनी स्किन को क्लीन कर लें रोज़ वाटर के साथ, जिससे कि आपके चेहरे पर जो भी धूल मिट्टी गंदगी या डर्ट जमा है वो निकल जाए और जो हमारी त्वचा के रोम छिद्र हैं वो खुल जाएं, ताकि ये जो पैक है ये अच्छे से हमारे पोर्स के अंदर एब्जॉर्ब होके अपना काम कर सके। ठीक है, अब आपको ये पैक अपने फेस के ऊपर लगा लेना है। एक थिक पेस्ट आपको ये फेस पे लगाना है और जहाँ पे आपके स्किन के इश्यूज़ हैं, जहाँ पे पिगमेंटेशन है, जहाँ पे मेलाज्मा है, जहाँ पे दाग धब्बे हैं, कील मुहासों के निशान है, अराउंड द माउथ पिगमेंटेशन है, तो उस जगह पे ये पैक थोड़ा सा आप थिक लगाएंगी। ठीक है, और नेक के ऊपर तो ज़रूर ही आप लगाएं, क्योंकि ये पैक ना आपके कॉम्प्लेक्शन को टोन करेगा, इम्प्रूव करेगा। तो ये पैक अच्छी तरह से लगा लेने के बाद गाइस आपको इसको सूखने के लिए छोड़ देना है। ठीक है, 15 से 20 मिनट लगेंगे इसको सूखने में गाइस, और यहाँ पे ये पैक जो है सूख कर झड़ना स्टार्ट हो गया है। ये झड़ क्यों रहा है आप जानते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो तासीर और जो गुण थे, जो इनकी खासियत थी, वो हमारी स्किन के अंदर समा चुकी है और ये पैक बिल्कुल सूख गया है, ड्राई हो गया है, इसलिए झड़ रहा है। ठीक है, बट अभी आपको इसको निकालना है। ये पैक हम थोड़ा सा गीला करने वाले हैं ताकि हम अपने फेस के ऊपर हल्का सा मसाज दे सकें, जिससे कि हमारे स्किन का ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो। ठीक है, अब हल्के हाथों से इस पैक को आप सर्कुलर मोशन में हटाएंगी। ठीक है, एकदम से डायरेक्ट आपको वॉश नहीं करना है। फेस को सर्कुलर मोशन में इस तरह से मसाज करने से क्या होता है कि जो डेड सेल्स होते हैं वो निकल जाते हैं और स्किन के ऊपर नेचुरल ग्लो आता है। ठीक है, तो अच्छी तरह से स्क्रबिंग भी हमारी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी होती है गाइस। इससे हमारे स्किन के ऊपर ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स जल्दी से पनपने नहीं पाते हैं। जिन लोगों को ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स की प्रॉब्लम होती है उसकी वजह यही होती है कि वो अपनी स्किन का अच्छे से ध्यान नहीं रखते हैं और वो अपनी स्किन को अच्छे से क्लीन नहीं करते हैं, स्क्रब नहीं करते हैं। ठीक है, 2 मिनट का यहाँ पे मैंने किया है मसाज और इस पैक को मैंने हाथों से ही हटा लिया है। अब मैं ठंडे पानी का यूज़ करके इसको धो लूँगी और यू कैन सी गाइस ग्लो आपके सामने है इस पैक का, और इस पैक ने मेरी रंग को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया है। चेहरे की रंगत बहुत बहुत ज़्यादा निखर उठी है, मेरी स्किन के ऊपर कोई ब्लैमिशेज नहीं है, झाइयाँ नहीं है, पिगमेंटेशन नहीं है। बट मैं आपको इसके रिजल्ट्स अगर बताऊँ तो इतने गजब के रिजल्ट्स हैं गाइस कि आप कमाल हो जाएगा। ये सोचेंगी कि ये इंग्रेडिएंट्स क्या इतना मैजिक कर सकते हैं। तो अगर आपके फेस के ऊपर बहुत सारे जिद्दी से जिद्दी दाग धब्बे हैं, पिगमेंटेशन है, मेलास्मा है, जो जाने का नाम नहीं ले रही है, तो इसको आपको 1 मंथ तक कंटिन्यू यूज करना है। ठीक है, और जब कंटिन्यू आप इसका इस्तेमाल करेंगी तो ये आपकी स्किन के ऊपर डॉक्टर की तरह काम करेगा, यानी स्किन का डॉक्टर है। नेचुरल चीज़ें हैं, बहुत ज़बरदस्त काम करती हैं आपकी स्किन के ऊपर। प्रॉपर्टीज़ मैंने सारी ही आपको बताई दी है और जो ग्लो आप देख रही हैं ऐसा ही ग्लो, ऐसे ही चमकदार स्किन, गालों के ऊपर ये शाइन आपको भी मिलेगी इस पैक से। तो बहुत ही मैजिकल ये पैक है गाइस, और आपकी स्किन से सारे दाग धब्बों को रिड्यूस करके आपकी स्किन को बेदाग, निखरा और चमकदार बनाएगा, जैसा कि हम सबकी चाहत होती है निखरी और बेदाग स्किन की। तो जल्दी से ट्राई कीजिए ये अमेजिंग मास्क गाइस, और इसको आप स्टोर कर सकते हैं 1 हफ्ते के लिए। इसकी प्रॉपर्टीज 1 हफ्ते तक बरकरार रहेंगी, बशर्ते ये कि आप इसको फ्रिज में स्टोर करके ही रखेंगी। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें बिना ना जाएं, चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा।
दोबारा इसी तरह के वीडियो देखने के लिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, उसी तरह से आपको हार नहीं मानना है। अगर आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा लो हो गया है, आपकी स्किन के बहुत सारे इश्यूज हैं, अराउंड द माउथ पिगमेंटेशन है या चेहरे पे जिद्दी झाइयां हैं जो जाने का नाम नहीं ले रही है, तो आपको इस रेमेडी को लगाने के साथ ही साथ अपने डाइट का भी ख्याल रखना होगा। ठीक है, समर आ रही है और इस वक्त गर्मी में सबसे ज्यादा शिद्दत होती है हमारी बॉडी को पानी की, तो आप पानी का इंटेक ज़्यादा रखेंगी, फ्रूट जूसेस ये सारी चीज़ें लें, स्पेशली आपको प्रोटीन वाली चीज़ें अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करनी है। कोई भी एक सस्ता सा फल जो भी सीजनल हो वो आप ले सकती हैं, वाटरमेलन है, ककड़ी है, खीरा है, ये सारी चीज़ें आप अपनी बॉडी को अगर देती हैं, यानी आप इन सारी चीज़ों को अपनी डाइट में अगर शामिल करती हैं ना, आप एक महीने करके देख लीजिए, आपको इतना ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा, आप भी सोचोगी कि क्या मैजिक हो गया है। ठीक है, तो आई होप कि आज का मेरा ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को देख रहे हैं पहली बार तो विद बेल आइकन सब्सक्राइब भी कर लें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना खूब अच्छे से ख्याल रखिए, खुश रहिए, टेक केयर, बाय।